बिहार की राजधानी पटना में एक बार फिर कानून व्यवस्था पर सवाल उठा है। पटना में बीच सड़क पर खूनी वारदात देखने को मिली है। मेदांता के नर्स की बीच सड़क पर चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। पूर्णिया की रहने वाली नर्स की बीच सड़क पर चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। शादीशुदा सोनी कुमारी की घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। कंकड़बाग इलाके की यह घटना है। तो आपको बता दें कि मेदांता की नर्स की बीच सड़क पर खूनी वारदात कर हत्या कर दी गई है। पूर्णिया की रहने वाली थी शादीशुदा सोनी कुमारी, जिनकी कंकड़बाग इलाके में आज बीच सड़क पर हत्या कर दी गई है। ये घटना कहीं ना कहीं एक बार फिर से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। और अधिक जानकारियों के लिए हमारे साथ संवाददाता चंदन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करेंगे चंदन का। चंदन, एक बार फिर से कानून व्यवस्था पर सवाल उठा है, बीच सड़क पर खूनी वारदात हुई है, पूरी घटना विस्तार से बताएं। जी देखिए, बिल्कुल नवीन, ये मामला जो है कंकड़बाग थाना क्षेत्र का है और ये जो महिला है वो शादीशुदा महिला है। मेदांता अस्पताल में नर्स का काम करती थी और नौकरी करके वो लौट रही थी। उसी क्रम में साई नेत्रालय के आगे जो रोड है वहाँ पे सुनसान पड़ता है, वहीं पर चाकू खोद खोद कर उसकी हत्या कर दी गई है। ये हत्या बीच सड़क पर की गई है। यहाँ पे काफी लोग जो है दहशत में है, काफी लोग डरे हुए हैं और जैसा कि युवती की मौत हो चुकी है, घटनास्थल पर पुलिस की टीम जो है वो पहुंच चुकी है। एएसपी कामना मिश्रा है वो भी पहुंच चुकी है और सीसीटीवी खंगालने में जुट गई है। हालांकि पहले जब पुलिस आई थी तो महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर उनसे मृत घोषित कर दिया है और फिलहाल पुलिस अनुसंधान जो है वो जारी हो गया है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल होता है कि राजधानी पटना में बीच सड़क पर एक युवती की चाकू से गोद गोद कर हत्या कर दी जाती है और जो युवक है वो चाकू लहराते हुए आसानी से रोड से फरार हो जाता है। तो बिल्कुल कानून व्यवस्था पे एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है और सबसे बड़ा चीज प्रथम जैसे बताया जा रहा है कि ये पारिवारिक विवाद जो है उसी में हत्या हुई है। जी नवीन, भी देखा है कि अपराधियों का मनोबल इस कदर बढ़ा हुआ है कि बिहार के कई जिलों से इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं और अब राजधानी पटना भी अपराधियों से सुरक्षित नहीं है। क्या लगता है चंदन, ये जो घटना है एक बार फिर से सरकार को कानून व्यवस्था पर घेरने के लिए एक और मौका दे चुकी है विपक्ष को? जी देखिए, बिल्कुल लाजमी है कि हत्या की दौर जो है वो शुरू है और इस तरह की दिन दहाड़े राजधानी पटना में हत्या हुई है तो विपक्ष को तो एक मुद्दा चाहिए और विपक्ष को एक मुद्दा जरूर मिल चुका है और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी लापरवाही भी इसको मानी जा सकती है। काफी भीड़ भाड़ का इलाका है और कंकड़बाग जो है काफी पॉश इलाका में गिनती आता है। पुलिस की कहीं ना कहीं गश्ती नहीं थी, तभी जो युवक था वो बीच सड़क पर युवती को गुद गुद कर हत्या कर दी और वो चाकू लहराते हुए आसानी से फरार हो गया। अभी तक जो युवक है उसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जी चंदन, इस घटना के बाद पुलिस महकमे की ओर से क्या रिस्पॉन्स है, पुलिस की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है? जी देखिए, घटना के बाद जैसे ही तुरंत थाना अध्यक्ष और कई थाने की पुलिस मौके पर पहुंची है। एएसपी कामना मिश्रा सदर जो है वो मौके पर पहुंची हुई है और तमाम जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उसको खंगालने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है और तमाम थानों को अलर्ट भी किया गया है कि ताकि जिन क्षेत्र में वो युवक नजर आया तुरंत उसकी गिरफ्तारी हो। तो युवक की गिरफ्तारी के लिए पटना पुलिस जो है बिल्कुल कार्रवाई तेज कर दी है। जी नवीन, चलिए धन्यवाद चंदन हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। एक नर्स है जो हॉस्पिटल से अपने हॉस्टल लौट रही थी, उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी गई है और प्रथम दृष्टया जो है ये मामला आपसी पारिवारिक विवाद का लग रहा है। जी कौन थे ये, जैसे ही पुष्टि हो जाएगी पूरी बात की आपको अवगत करा दिया जाएगा। नर्स की बात बताइए। हाँ जी, नर्स की बात। पूर्णिया की रहने वाली है। जी पूर्णिया की रहने वाली है।